अस्सलाम वालेकुम, यूटी न्यूज़ के साथ मैं हूं हमजा ज़ेब। टेक्नोलॉजी की दुनिया से चंद खबरों का अहवाल टेक्नोलॉजी राउंड अप में। नया फोन जिसमें होगी 512 GB स्टोरेज। अगर आप अपनी जेब में पर्सनल कंप्यूटर जैसी स्टोरेज चाहते हैं तो हुआवे का नया फोन आप ही के लिए है, जिसमें होगी 512 GB की गुंजाइश। ये जबरदस्त स्टोरेज आईफोन एक्स जैसे फोन से भी दुगनी है, बल्कि मैकबुक प्रो के बेशतर मॉडल से भी ज्यादा है, और फेसबुक ऐप जैसी चीजों को 1200 मरतबा डाउनलोड कर सकती है। वो अलग बात है कि आप एक मरतबा भी नहीं करेंगे। आने वाला हुआवे फोन गुज़श्ता माह चीन की रेगुलेटरी एजेंसी टेना की वेबसाइट पर देखा गया था। खबरें हैं कि ये फोन 6 GB रैम और 512 GB स्टोरेज का हामिल होगा। ये P20 नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में काफी खबरें आ चुकी हैं और हम भी आपको बता चुके हैं। अलबत्ता ये P20 का पोर्श वर्जन हो सकता है। इटली के रोबोट्स भी डांस के माहिर निकले। यूं तो आपने कई माहिर डांसर्स की शानदार डांस परफॉर्मेंसेस देखी होगी, लेकिन जनाब रोबोट्स को डांस परफॉर्मेंस देते शायद ही कभी देखा होगा। यकीन नहीं तो तस्वीर में नजर आने वाले जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इन हजारों रोबोट्स को देख लें, जो किसी माहिर फनकार की तरह रक्स का शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। इटली के दारुल हुकूमत रोम में रोबोट बनाने वाली चीनी कंपनी के तैयार करदा 1372 रोबोट्स ने एक साथ डांस का शानदार मुजाहरा किया। अब बटन दबाएं और मशीन में से गाड़ी बरामद। चीन ने ऐसी मशीन लगाने का फैसला कर लिया कि अब कोई भी बासानी गाड़ी खरीद सकता है। बटन दबाएं और मशीन से रकम निकलाए, या सिक्का डालें और चिप्स का पैकेट लेकर चलते बने। इतनी तरक्की तो अब जगह जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन बटन दबाएं और मशीन से गाड़ी निकलाए, क्या ये भी मुमकिन है? जी हाँ, चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और कारें बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स ने मिलकर यह अजूबा तैयार करने का फैसला किया है। यह एक देवकामत मशीन होगी जो महज एक बटन दबाने पर नई नवेली गाड़ी कस्टमर के हवाले कर देगी। आईबी टाइम्स के मुताबिक फोर्ड कंपनी की जदीद तरीन 10 मुख्तलिफ मॉडल्स की कारें गुआंगजो सूबे में बनाई जाने वाली इस मशीन से हर वक्त दस्तयाब होंगी। इस मशीन की जिसामत किसी मंजिला इमारत के बराबर होगी, लेकिन इसे चलाने के लिए अमले का एक भी फर्द दरकार नहीं होगा, क्योंकि ये एटीएम की तरह मुकम्मल तौर पर खुदकार होगी। और ईरानी हैकर्स ने सैकड़ों यूनिवर्सिटियों की मालूमात चोरी कर ली। अमेरिका ने साइबर हमले करने के इल्जाम में एक ईरानी कंपनी और 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। इन साइबर हमलों का निशाना बनने वालों में सैकड़ों यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है कि इस कंपनी ने दुनिया भर में 320 यूनिवर्सिटियों, दर्जनों कंपनियों और अमेरिकी हुकूमत के कुछ हिस्सों की मालूमात चुराई है।